क्लियर। इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। मतलब इसको हम लोग मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को डीपी बोलते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डीटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ये है, ठीक है। इसको अगर हम लोग इक्वेशन वन मानते हैं, ठीक है, तो ये इसका हम मैथमेटिकल प्रूफ भी कर सकते हैं। जैसे अगर इसका एक्सप्रेशन अगर हम दिखाना चाहें तो हम लोग बोल सकते हैं कि कंसीडर अ बॉडी, ये बॉडी है जिसका मास एम है, इनिशियल ये यू वेलोसिटी से मूविंग हो रहा है, जब इस पे एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एट टाइम टी इक्वल टू जीरो। जीरो टाइम में इसका वेलोसिटी, इस बॉडी का यू वेलोसिटी है व्हेन, ठीक है, जीरो टाइम में क्या है, यू वेलोसिटी है। जब इस पे फोर्स एम अप्लाई करेंगे तो यू से इस बॉडी का क्या हो जाएगा, वी वेलोसिटी, ठीक है, और इसका मास एम है और यहाँ पे टाइम टी। टी टाइम में, जीरो से टी टाइम में ये वेलोसिटी को फोर्स एम अप्लाई करने से वी वेलोसिटी हो रहा है, यू से वी। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होता है, इसका इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं मास इनटू वेलोसिटी। तो मास इनटू वेलोसिटी को, मास को हम लोग एम से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी को यू से, इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। इसको पी आई बोल सकते हैं, पी आई मीन्स इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम यहाँ पे देख रहे हैं कि फाइनल पोजीशन हो रहा है टाइम टी इक्वल टू, उसका वेलोसिटी भी हो रहा है, तो मास इनटू वेलोसिटी, तो पी एफ जो हो जाएगा वो मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम को हम लोग डीपी बोल जाते हैं। डीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एफ माइनस पी आई इक्वल टू, पी एफ जीता है MV minus MU। तो यहाँ पे M कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, V minus U। चेंज इन टाइम अगर ये टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो टी इक्वल टू यहाँ पे टी है और यहाँ पे टी इक्वल टू जीरो, तो टी माइनस जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी, ठीक है। तो अगर ये चेंज इन मोमेंटम और चेंज इन टाइम अगर यहाँ पे पुट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी बाई डीटी, और एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी का वैल्यू कितना लाया है, एम इंटू डी माइनस यू, और डीपी का क्या है, टी माइनस जीरो टी, ठीक है। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम लोग फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से वी इक्वल टू होता है यू प्लस ए टी, तो यू को इधर शिफ्ट करेंगे तो वी माइनस यू इक्वल टू ए टी हो जाएगा, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू हो जाएगा ए नीचे आ जाएगा वी माइनस यू बाई ए, और ये टी का वैल्यू हम यहाँ बोल सकते हैं वी माइनस यू, सॉरी ए चाहिए हमको, तो क्या हो जाएगा यहाँ से वी माइनस यू, यहाँ पे ए इक्वल टू क्या हो जाएगा टी, वी माइनस यू टी नीचे आ जाएगा, तो एम इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए। तो अगर पर्पसलेटिव हटाएंगे तो एक कॉन्स्टेंट ऐड होता है, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा के एम ए, अगर सभी को वन लेते हैं यूनिटी मानते हैं, एफ का वन मास अगर वन ले लेते हैं यूनिटी सबको मानेंगे तो के भी वन आ जाएगा, तो के इक्वल टू अगर वन हो जाता है तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा एम ए। तो हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ को अच्छा डिफाइन कर सकते हैं, यू डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है न्यूटन सेकेंड लॉ।